अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त, आपका दोस्त अर्श, और आज हम मौजूद हैं कहाँ? कराची के एक ज़बरदस्त प्लेस पोर्ट ग्राउंड के अंदर। आज वहाँ यहाँ क्या हो रहा है? एक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट हो रहा है जो वकला कमेटी के लिए एक ब्रेकफास्ट का एहतमाम रखा गया है, गैदरिंग गेट टुगेदर रखी गई है, जिसको होस्ट किया है सरफराज मतेलो साहब, बैरिस्टर सरफराज मतेलो साहब ने। और यहाँ पर तमाम वकला कमेटी एक साथ आई हुई है और बड़ा मज़ेदार सा एक समा है। और हम जानेंगे सरफराज मतेलो साहब इसका मौकफ क्या है इस गैदरिंग का और इस इलेक्शन कैंपेन का, और जो इलेक्शन हो रहे हैं वो वकला बरादरी के लिए कितने बेनिफिट आमेज हो सकते हैं। आइए चलते हैं। साहिबा जो है, आपने यह टाइम निकाला, मैं ये समझता हूँ आपका ये खुलूस है हमारे बैरिस्टर सरफराज महतो के लिए, क्योंकि हर शख्स अपने हिस्से का काम दे रहे हैं। सोसाइटी 2018 में हमारे भाई साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद सलीम मंगरियो साहब ने लॉन्च की थी, लेकिन तसलसल न होने की वजह से ये 18 से 23 तक 5 साल तक सर्द खाने में रही। 2023 में दोबारा जब वो आए, उन्होंने उसको दोबारा शुरू किया, लेकिन टेन्योर खत्म हुआ, वो किसी मकसद या किसी मंजिल तक न पहुंची। लेकिन क्योंकि उसमें तसलसल 2023 और 24 में रहा, और मैं शुक्रगुजार हूं इसमें अपने बड़े भाई जनाब मोहम्मद सलीम मंगरियो साहब का, कि उन्होंने न सिर्फ मेरी मावनत की, लेकिन मेरे कैंडिडेचर को अपना कैंडिडेचर लेते हुए पिछले साल आप तमाम दोस्तों के दरमियान मेरे साथ खड़े रहे, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की, जिसके नतीजे में, उस तसलसल के नतीजे में, सिर्फ 2 साल के तसलसल के नतीजे में ये सोसाइटी लॉन्च हो चुकी है, ज़मीन हमारी ईयरमार्क हो चुकी है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारा मेंबरशिप का प्रोसेस मुकम्मल होगा, हम इसकी प्रोविजनल अलॉटमेंट्स करेंगे और इसको डेवलप करके आपके हैंडओवर करेंगे, लेकिन इसके लिए तसलसल बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि ये सोसाइटी फिर सर्द खाने में जाए। आप अपना तआवुन हमारे साथ करें, हम दिन रात हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और आप हमें कामयाब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैंड विद यू, डू योर वर्क। और जो प्लॉट की बिल बनाया, और मैं आपको बताता चलूं, और आपको यकीन होना चाहिए कि यहाँ जो हमने नई सोसाइटी को लॉन्चिंग की है, इसकी सेपरेट बॉडी हमने बनाई है, जिसका नाम सिंध हाई कोर्ट बार कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और इसका फाउंडर मेंबर और फाउंडर जो अहदेदारान में हैं, उसमें मैं सदर और जनाब बैरिस्टर सरफराज महतो साहब सेक्रेटरी हैं। और इसकी बताता चलूं कि इस सोसाइटी को हमने सेपरेट बॉडी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाया ताकि तसलसल जारी हो। 2018 में हमने एक बड़ी मेहनत और जदोजहद के साथ उस टाइम की कैबिनेट से मिलके चीफ मिनिस्टर साहब से आपके लिए 650 एकड़ का बंदोबस्त कराया, लेकिन वो मंसूबा घटाई में पड़ा रहा। 2023 में हमने दोबारा उसमें कोशिश की और हमने डायरेक्शन दिलवाई हाई कोर्ट से कि जितने यहाँ कराची में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब हैं रेवेन्यू, उन सबको डायरेक्शन दिलवाई कि वो आके बताएं कि उनके इलाके में 650 एकड़ की जमीन कहाँ पे अवेलेबल है। आपने तो कोई वेलफेयर की नहीं, आपको तो वेलफेयर दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं।
हम जो अपनी व्यवस्था बता रहे हैं उसमें तनकीद करें, यही उनकी कमजोरी है और यही मैं समझता हूँ हमारी जीत है। मैं जावेद पीर साहब को नुमाइंदगी देते हुए, क्योंकि हमारे एडवोकेट साथी सिंगिंग के लिए बेताब है और सरफराज भाई ने म्यूजिकल भी जो है हमें ये तोहफा दिया है, लिहाजा मैं तमाम की तरफ से जावेद पीर साहब जो कमिटेड है, जिसके साथ होते हैं, फ्रंट लाइन पे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड है जावेद पीर। सलीम मंगरेव साहब और सरफराज मेतलो साहब ने जो जो काविशें आप लोगों के लिए की वो आपके सामने बयान की गई। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा आपसे कि 30 साल पहले जब मैंने वकालत शुरू की तो बहुत खुशी हुई हाईकोर्ट बार में जाके। उस वक्त के जो बार के लीडर्स थे शरफ फरीदी साहब और उनके साथी, उनको देखा कि वो वकला के लिए दुख रखते थे, दर्द रखते थे, काम करते थे, दिन रात काम करते हुए नजर आए। फिर एक दौर आया कि एक मखसूस टोला आके बैठ गया हाईकोर्ट बार में और हर साल खोखले दावे होते रहे। हम सुनते थे वो खोखले दावे और वो खोखले दावे सुन सुन के कान पक गए। जो शरीफ फरीदी साहब की सोसाइटी थी उसको भी रुला दिया, उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं। हाँ, एक काम उन्होंने किया, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त क्लब बनाया। वो कौन सा क्लब बनाया? एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया जिससे उनके रिश्तेदार, उनके ऑफिस के लोग जाके हाईकोर्ट के जज बन जाएं। वो क्लब बनाया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फिर एक उम्मीद की किरण जागी जब सलीम मंगरेव साहब ने अपना सेक्रेटरी का कैंडिडेचर अनाउंस किया और सारे हकाइक आपके सामने, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बट आप देखेंगे कि जब से सलीम मंगरेव साहब आए तो वो जो कंटिन्यूशन की बात कर रहे हैं, तसलसुस की बात कर रहे हैं, जिसको सरफराज मेतलो साहब ने आगे बढ़ाया कि अब नजर आ रहा है कि वकला के लिए काम हो रहा है। ये वो बार जो है वकला की है, वो एक्सक्लूसिव क्लब की नहीं है जो दरवाजों बंद करके फैसले करते थे कि सदर कौन बनेगा। नहीं, सदर आज आप बनाओगे और सदर आप उसी को बनाओगे जो आपके लिए काम करेगा। नाज़रीन, हम एक कैंपेन शूट कर रहे थे और एक ही बात, ये जो काला कोट है और जो है ये वोटिंग डायलॉग्स और वो इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो जो शख्सियत के बारे में कहा जा रहा था, वॉच मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट पर्सनैलिटी सरफराज मातेलो साहब, बैरिस्टर सरफराज मातेलो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, इलेक्शन कैंपेन तो मैं समझ के नहीं आया था, मैं तो समझ के ब्रेकफास्ट आया था, तो यहाँ पर मैंने वकला को देखा, उनका प्यार, मोहब्बत, अखलाक, खलूस, आपके साथ जो जज्बा बुलवतनी है तो होता ही है जब जज्बा सरफराज मातेलो था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये दुनिया की वाहिद वो बरादरी है जो नस्ल और मज़हब के बगैर बनी है। बाकी जितनी भी बरादरियाँ हैं दुनिया में, या नस्ली हैं या मज़हबी हैं, ये वो बरादरी है जिसमें हर कलर का, हर खुशबू का फूल है और आपस में गुलदस्ते की तरह जुड़े हुए हैं। बस उसी गुलदस्ते को हमने फलाना है, फुलाना है, उसके अंदर खुशबू बढ़ानी है और यही इसका आप देख रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से इसका मज़हर है कि तमाम दोस्त यहाँ पे आज इतवार के छुट्टी के दिन सुबह को अपने फैमिली टाइम को लेके यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ शामिल हुए। प्यार करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। ये देखें, ये जीत से पहले जीत के का वो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कुछ वो खुदा की तरफ से मिलते हैं, क्योंकि आज ना वोट का दिन है, ना कुछ इलेक्शन है, ना एक कैंपेन में इतना रश है, माशाल्लाह से पोर्टगन पूरा हाउसफुल पे। बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, तमाम दोस्तों की दिल में अल्लाह ताला ने एक नरम गोशा पैदा किया है और जिसकी वजह से वो सारे दोस्त अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पे हमारे साथ शामिल हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, ये उनका मेरे ऊपर एहसान है,
मेरे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, उनके दिल की खूबसूरती है। खुदा ताला ने आपको मुंतखब किया है ना सर, इतना स्पेशलाइज तौर पर कि आप इनके रहनुमा बने। मैं इनका नुमाइंदा हूँ और अल्लाह ताला मुझे ये मौका अल्लाह ताला ने दिया है अपने दोस्तों के तवसल से। उन्होंने मेरे ऊपर इजहार किया है अपने कॉन्फिडेंस का और इंशाअल्लाह ताला उनको उनके तवक्कात से बढ़ के हम रिस्पांस देंगे, उनको कभी मायूस नहीं होने देंगे। जैसे सर वकला को जो है इलाज मुआवजे के लिए भी मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स तो बहुत हैंडसम होते हैं यानी कि वो अच्छी इनकम होती है, कुछ लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम कम होती है, तो आपने हॉस्पिटल वाला सिलसिला भी उनकी मेडिकल का इशू भी ख़त्म कर दिया है। देखें, हमने कोशिश की है कि अपने बरादरी का हर वो मसला जो कि मैं अपने लिए नहीं चाहता वो उनके लिए ना हो, चाहे वो इलाज मुआवजे का हो, उसके लिए अस्पताल हो, मेडिकल रीइंबर्समेंट हो, NICVD में कोई सहूलत हो, या आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के तमाम लेबॉरटरीज़ के ऊपर डिस्काउंट्स हो, या उससे आगे बढ़ के हाउसिंग सोसाइटी हो, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि हर वकील का एक घर होना चाहिए, उनके लिए एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो सवारी का मसला है, गाड़ियों का मसला है, वो शहर कायद पे बहुत बड़ा ट्रैफिक का बोझ भी है वो भी कम हो जाएगा। अगर 8,000 वकला एक डेडिकेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे तो आपकी 8,000 गाड़ियां ट्रैवल नहीं करेंगे नहींगे। तो ये बहुत बड़ी इसलिए हर तरह से ये माहौल के लिए जो आपके तापमान बढ़ रहा है दिन ब दिन उसको भी कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाएँ। हमारी बरादरी के लिए हम कोशा हैं, बाकी दोस्तों से भी मैं कहता हूं कि सारा बोझ आप हुकूमत के कंधों पे ना डालें, अपनी मददात आप आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहारा बने। एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव मैंने जो सुना आपका, वो जो मुझे मेरे दो सहबा बहुत भुखला हैं तो उन्होंने कहा जो 32 साल से जो एक अमली जामा पहना नहीं था कि वो जो हाउसिंग स्कीम का, तो आपने वकील कम्यूनिटी के लिए भी कुछ बनाया है, वकील का वो क्या कहेंगे कॉलोनी, हमने एक लॉयर सिटी बनाया यानी कि बुनियाद रखी है और अल्लाह ताला ने इसकी मेंबरशिप जुम्मे को शुरू कर दी थी जुम्मे के मुबारक दिन से, और जैसे ही इसकी मेंबरशिप कंप्लीट होगी तो हम उसकी प्रोविजनल अलॉटमेंट करेंगे और जिस तरह से वो सिलसिला कंप्लीट होगा तो फिर हम उसकी फ़ाइनल अलॉटमेंट और पोजीशन की तरफ जाएंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द इस मनसूबे को अमली जामा पहना के तकमील पर ले जाया जाए। अमूमी तौर पे कहा जाता था जैसे लड़कियों की शादी होती है तो वालदेन ढूंढते थे एक सरकारी नौकरी वाला लड़का होना चाहिए, मैं तो अब ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी ना हो, वकील होना चाहिए, उसके बाद प्लॉट भी मिलेगा, उसको इलाज मुआवजा भी मिलेगा और फैसिलिटी मिलेंगी। देखें, वकीलों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे इस मुल्क के क़याम एक वकील, इस मुल्क का आइन एक वकील, इस मुल्क के अंदर आपको एटमी जौहरी सलाहियतें देने के पीछे काश्त कावशें एक वकील की, जमहूरियत की बहाली के लिए वकीलों की कुर्बानियां, और इस मुल्क के अंदर जो आज मजलूम की आवाज़ बन के खड़े हो रहे हैं वो भी वकील हैं, तो वकीलों की उन कुर्बानियों की एक्नॉलेजमेंट के नतीजे में मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उनके लिए कुछ करना हुकूमत का सोसाइटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से आप फल खा रहे हैं उसको भी पानी दिया जाए। मैं सब बहुत दुआ गूँ आपके लिए, मैंने आपकी स्पीच सुनी और लोगों का प्यार जो लोगों में शामिल था, मैं तो वहाँ पे देख रहा था ये वो लोग नहीं थे जो बिरयानी खा के आपके लिए नारा लगा, ये मोहब्बत खलूस इखलाक और जो खलूस जो था ना जज्बा जो निकलता है ना फीलिंग से वो मैं देख रहा था, मैं बड़ा दुआ गूँ आपके लिए। बिरयानी महमूद भाई का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ताल्लुक़ है, उसके साथ शेरवानी साहब खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हैं, हमारे भाई अब्दुर्रऊफ़ आफरीदी साहब ये मेरे साथ, रऊफ़ आफरीदी साहब का साथ मेरे साथ 2016 में था जिस वक्त मेरे साथ कोई ग्रुप नहीं था, ये मोहब्बत तब से लेके अब तक बगैर नागे के ये दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, ये उनकी मोहब्बतें हैं, ये रिश्ता जो मतलब पे होता है ना वो आरजी होता है, ये दायमी रिश्तेदार हैं मेरे और ये रिश्ता मोहब्बत का इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुरे वक्त उसे महफूज रखेगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि हमेशा अच्छे वक्त ही देखें हम सब दोस्तों के लिए साथ वकला बरादरी के लिए अच्छा विजन रखा अल्लाह ताला जब ये आपको कामयाब करे। आमीन 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 इंशाल्लाह। आखिर में यही कहूँगा सर आपका शुक्रिया और मैं कहूँगा भाई सरफराज कभी धोखा देगा नहीं, एक दफ़ा आजमाइए और फ़ायदा उठाइए। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शाहिद इकबाल साहब और आज इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा उनसे तासुर लेंगे, क्या है इवेंट और क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद भाई वकील उमंड पड़े हैं, मतलब कहाँ से ये इतना, हमें वकील मिलता नहीं है आम इंसान को, आज तो वकीलों की एक बारिश हो गई है, पूरा कराची का वकला एक जगह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस इवेंट का हिस्सा बने, ये तमाम वकला सरफराज बेथलो साहब की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, हालांकि एक इतवार का दिन संडे का दिन हमें मिलता है तमाम वकला को और तमाम लोगों को, मगर उन्होंने सरफराज बेथलो साहब की मोहब्बत में तमाम कामों को छोड़कर पसे पुश डालकर यहाँ उनकी मोहब्बत में आए हैं
और ये हमारे हाई कोर्ट बार के इस टाइम पे कैंडिडेट भी हैं सदर की पोस्ट पे, और उनकी मोहब्बत में, क्योंकि देखिए वो वेलफेयर का काम बहुत अच्छा करते हैं, उन्होंने हमारे लिए स्थान पे मेडिकल के हवाले से बड़ा काम किया है, उसके अलावा उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से हमारा काम किया है। माफी चाहूंगा आपकी बात कट करूंगा, अभी प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे पता चला प्लॉटिंग भी वो अवेल करवा रहे हैं 32 साल बाद। बिल्कुल वो चाह रहे हैं तमाम वकला को कम से कम 120 से 25 गज का एक प्लॉट मिनिमम एक को मिलना चाहिए। ये तो बड़ी खुशहाल बात है, देखिए ना जब इतनी मोहब्बत वो दिखा रहे हैं तो हम उनको टाइम तो दे रहे हैं, उनका राइट बनता है ना। बस तो कहने का मकसद ये, तमाम उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं और हम उसको उनको वोट भी देंगे, उनको फुल सपोर्ट भी है। और आप अभी देखेंगे तकरीबन 11 बजे तक यहाँ तल धरने की जगह नहीं होगी, इतने वकला होंगे। बिल्कुल, मैं अभी ब्रेकफास्ट स्टार्टअप था तो मैंने देखा था वकला, मैं समझता था खाली मैं अर्ली आया था, मुझे लगा कि लोग नहीं है, तो मैंने अच्छा काले कोट वाले दिख नहीं, मैं समझा कोई किसी की शादी का कोई ऐसा कोई और प्रोग्राम चल रहा, पता चले सब तमाम वकला हैं ये। तो नहीं नहीं सर, तमाम वकला हजरात हैं, उनकी फैमिली के साथ आए हैं। देखा है ना, बिल्कुल 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 कपड़ों में सारे। अच्छा संडे का दिन है तो आपको पता है वो अपनी फैमिली के साथ आए, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सर। और बाकायदा म्यूजिकल प्रोग्राम भी अभी स्टार्ट होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि बहुत से वकला भी रास्ते में भी होंगे जो 11 तक 10 बजे तक आएंगे, 10 तो बज गए हैं, खैर 11 तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वेलफेयर का काम बहुत किया और हमें इनसे बड़ी उम्मीद है कि आंदा भी हमारे लिए बहुत काम करने वाले हैं। मैं दिल से दुआ करूं उनकी काविशों के लिए, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिंग आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू शायद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। एडवोकेट हाई कोर्ट सबीन शफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह से। खवातीन वकला भी यहाँ मौजूद हैं, मर्द वकला तो मौजूद हैं बहुत सारे, वो कहेंगे होलसेल वकला आज मौजूद हैं और आज ब्लैक ड्रेस में नहीं है, सबसे अच्छी बात है, खुशहाल बात है कि आज वो एक अपनी फैमिली का एंटरटेनमेंट इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सहरा जाता है सरफराज मैथलो साहब जी, सरफराज अली मैथलो साहब को जो हाई कोर्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की सीट पर, उनको जाता है कि उन्होंने सबको एक साथ मिला के रखा है और लेके आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जो है वो सरफराज साहब की एक दावत पे अर्ली मॉर्निंग यहाँ मौजूद हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट उन्होंने किया है। शफी साहब ये बताइए, जब बहुत सारी वकला कमेटियाँ होंगी, बहुत सारे डोमेन्स होंगे, मतलब इतनी नॉलेज नहीं रखता, मगर खवातीन की जो कहेंगे जैसे हम इंपॉर्टेंट खवातीन की बात करते हैं, जैसे वकला खवातीन उनके भी कुछ हुकूक और राइट्स होंगे, उनके लिए क्या वर्कआउट हो रहा है, क्या चीज़ें सरफराज बैचलर साहब ने की हैं? ख़वातीन के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी उन्होंने जनरली जो है वो तमाम वकला के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले तो उन्होंने हॉस्पिटल कुतियाना हॉस्पिटल जो टावर की तरफ है उसको जो है वो पैनल कर दिया है वकला के लिए, फैमिलीज़ के लिए, जो आज तक नहीं था। सेकंड उन्होंने अभी जो रिसेंटली वो किया है, 32 साल बाद इतने अरसे बाद हमें प्लॉट मिलना शुरू हो गए, प्लॉट की हमें उम्मीद हुई है कि हर हाईकोर्ट बार का एनरोल वकील जो है वो अपने घर का मालिक होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके आते साथ ही अभी ये जनरल सेक्रेटरी पे हैं तो उन्होंने ये काम कराया है, और इंशाल्लाह जब ये प्रेसिडेंट की सीट पे होंगे तो क्या क्या काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि वकला के हुकूक के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई तो उनको कामयाबी दे इंशाल्लाह। सपोर्ट है और हम भी इसी सपोर्ट को कंटिन्यू करने के लिए आए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और शख्सियत एडवोकेट खालिद असद साहब मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सुबह सुबह इतने सारे वकील सिटी कोर्ट में मिलते हैं या हाई कोर्ट में मिलते हैं और आज यहाँ मिल रहे हैं, क्यों? सर बुनियादी तौर पे ये जो संडे का दिन होता है ये वकील अपने आप को इंटरटेन करते हैं, और बैरिस्टर सरफराज महतो जो कि सदारती कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में, उन्होंने वकला की वेलफेयर के लिए जो है ये एक जो है ना बहुत ही पुरतकल्लुफ जो है नाश्ते का इहतमाम किया, और हम लोग इसको अपनी सेल्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर इसको ले रहे हैं, क्योंकि नाश्ता भी बहुत ही बेहतरीन किस्म का है और प्लस जो है ना म्यूज़िकल भी है, तारे हमारे वकला ही जो है ना वो गाना गाएंगे और इन्जॉय करेंगे, लिहाजा इसलिए जो है ना एक दिन हम अपने लिए निकाला है, इस वजह से आपको इतना यहाँ पर एक माहौल नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा है सरफराज साहब का, मुझे इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कि जैसे अभी मैंने हाउसिंग और मुख्तलिफ उनकी जो हॉस्पिटलिटी और इस हवाले से जो काम कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। सर बात सारी ये होती है कि अब जो वक्त है ना वो प्रैक्टिकलिज्म और रियलिज्म का है, अब सरफराज महतो साहब ने ये ट्रेंड दिया है कि अब काम करना पड़ेगा। इससे पहले बुलंद बाग नारे होते थे, कुछ लोगों ने वेलफेयर की है नो डाउट माजी में, लेकिन ये है कि अब वेलफेयर ओरिजिनल करना पड़ेगी, और सरफराज महतो ने यके बाद दीगरे काफ़ी जनाब जो है ना प्रोजेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो बड़ा पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। मुझे दिखने को मिल रहा है आज तो प्रोग्राम में जो लोग आए मोहब्बतों में नाश्ता हर कोई कर लेता है, और इतना दूर दूर ट्रैवल करके कराची की एक दूसरा बॉर्डर है कराची का
इवेंट है ये, तो वहाँ पे लोग आए तो इसका मकसद से मोहब्बत करते हैं लोग। और मैं ये समझता हूँ वेनिस चैनल जो है उससे हमारी बड़ी वाबस्तगी है, और जो आपकी मैम हैं वो तो हमारे साथ एक प्रोग्राम में भी शरीक थी और बहुत साबी साहब जी, और वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मुझे शाहिद साहब ने बताया था आप लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वेनिस चैनल जो है वो बहुत तरक्की पा रहा है और बहुत पसंदीदगी की निगाह से आपको देखा जाता है, आपके खास तौर पर मॉर्निंग शो, और मज़ीद आप जो है ना वो चीज़ों को कवर करते हैं। मैं कहता हूँ बहुत थैंक यू। हाँ अच्छा जी नाजरन, हमारे साथ बहुत प्यारा कपल, वो भी कपल भी दोनों एडवोकेट हैं, एक हमारी बहन शाजिया और शाहिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मेरी बहन, ठीक ठाक है? फाइन थैंक यू। कैसा आ रहा है मज़ा आपको? बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी गैदरिंग है। वैसे तो वकला के हमेशा डिनर लंच बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे ये बेनिफिट है हमें कि हमारी फैमिली भी साथ आई है। अपने बच्चों से जिक्र करते हैं कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, आज बच्चे खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर हमें, और ये सब सरफराज महतलों की वजह से है, और वो हमारे लिए बहुत खुशाइन साबित हुए हैं, और अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। घर में जाकर तस्करा कर दूंगा, मेरा कंपटीटर ये आज उससे हार गई, जीत गई या कुछ हो गया तो बच्चों का इश्तियाक होता होगा। मतलब सरफराज साहब जो है हमारे घर में इतने इन हैं कि मेरा जो छोटा बेटा है वो जब भी घर में घुसता है तो कहता है सरफराज महतलो आ गए हैं, सरफराज महतलो आ गए। मतलब इतने ज़्यादा ये। वालेकुम सलाम सर। खान साहब जी, मैं ये कहूँगा भाई कि ये वकला का इवेंट है, इसमें विद फैमिलीज हम सब आए हुए हैं, और उन्होंने इतने वेलफेयर काम किए हैं कि हम गिनती करें तो 35 के करीब हैं काम, और किसी भी ने इसने 10 माह के टेन्योर में किसी ने भी इतने काम नहीं किए, मतलब किए ही नहीं ना, अरे किए 2-4-6 किए हैं इन्होंने, और एक इनका मनसूबा ट्रिपल एच के नाम से हाउसिंग हॉस्पिटल और अस्पताल हाउसिंग के बारे में उस पर काम हो रहा है। हॉस्पिटल काम तकरीबन 50% हो चुका है। कुतियाना मेहमान में उन्होंने फ्री वकला के लिए किया, फैमिलीज़ के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए किया हुआ है। हाउसिंग का परसों ऐलान कर दिया कि हर वकील को कम से कम 120 गज 125 का प्लाट हर वकील को मिलेगा, ताकि वो अपनी रिहाइश हो, उसका नाम रखा वकला सिटी, सारे वकला कम्युनिटी वहाँ पर इकट्ठी होगी सर, और बहुत बस काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सदर के तौर पे इससे अच्छा और परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन आपको ये पैकेज कैसा लगा? ज़बरदस्त, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एग्जीबिशंस हैं और कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कवर अप करते हैं, तो आपको कवर अप कराने के लिए हमसे करना पड़ेगा रब्ता 03158248704 जस्ट व्हाट्सएप, और फेसबुक पर आप हमें मिल सकते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श LOP अर्श, और इसके लिए हमसे रब्ता कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल वीनस HD। अपने दोस्त अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला एक नए इवेंट में एक नई जगह पे और एक नए मुकाम पे आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।